क्लास 12th का। ज्योग्राफी की क्लास में हम लेसन 3rd स्टडी करेंगे। लेसन 3rd हमारा बुक 2nd से रिलेट करता है। सबसे पहले लेसन का नेम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि अलग अलग पार्ट्स में कौन कितनी कितनी रेशो है पॉपुलेशन का, यानी कि लिटरेट पर्सन कितने हैं, मेल फीमेल का रेशो क्या है, इन सभी को मिला के पॉपुलेशन कंपोजिशन हमारा लेसन बना। सबसे फर्स्टली है सेक्स कंपोजिशन। सबसे पहले है द नंबर, यानी कि सेक्स कंपोजिशन का मतलब है द नंबर ऑफ वुमेन एंड द मैन इन ए कंट्री इज़ द इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिकल रेशियो प्रेजेंट किया जाता है उसे डेमोग्राफिक कहते हैं। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, सेक्स कंपोजिशन। और सेक्स कंपोजिशन को हम कहते हैं मैन और वुमेन का रेशियो। फिर है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड द मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है कि जो पर 1000 मेल पे जो फीमेल का रेशियो होता है उसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी द अनफेवरेबल ऑफ टू वुमेन एंड सच एरियाज दोज वेयर द प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड एंड द फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवेलेंट। यानी कि सेक्स रेशियो कुछ एरियाज में जो सेक्स रेशियो है वो इफेक्ट करता है। और सेक्स रेशियो यानी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ कंट्री के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है। उनके पीछे एक रीज़न ये है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या तो बेबी गर्ल बेबी होते हैं तो उन्हें होते ही क्या किया कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, या फिर पहले से ही उन्हें या फिर पैदा ही बॉर्न ही नहीं होने दिया जाता। और जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। तो ये रीज़न भी है कि कुछ एरियाज में क्या है, सेक्स रेशियो कम है, इट मीन्स वुमेन का रेशियो कम है। सेक्स रेशियो ज़्यादा का मतलब है वुमेन का रेशियो ज़्यादा होना, सेक्स रेशियो कम होने का मतलब है वुमेन का रेशियो कम होना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट ए सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल। यानी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है वो है 100 फीमेल पे 102 मेल्स हैं। द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द लाटविया। यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री है लाटविया, उसमें सबसे हाइएस्ट सेक्स रेशियो है, वहाँ पे सेक्स रेशियो 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि 100 फीमेल्स पे 85 मेल्स हैं, यानी कि मेल्स का रेशियो कम है, इसलिए वहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, हाइएस्ट है। इन कतर देर आर द 311 मेल्स एंड 100 फीमेल्स। कतर में क्या है, 100 फीमेल्स पे कितने मेल्स हैं, 100 फीमेल्स पे कितने मेल्स हैं, 311 मेल्स हैं। यानी कि कतर में जो सेक्स रेशियो है वो लोएस्ट है, जबकि लाटविया में सेक्स रेशियो है वो हाइएस्ट है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन द 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट कि फेवरेबल फॉर फीमेल्स, यानी कि सेक्स रेशियो कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा है, यानी कि 139 कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो ज़्यादा है। अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। 139 कंट्रीज़ में तो क्या है, सेक्स रेशियो हाइएस्ट है यानी कि फेवरेबल है, और 72 कंट्रीज़ में क्या है, सेक्स रेशियो लोएस्ट है यानी कि अनफेवरेबल है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन जनरल एशिया हैज़ ए लो सेक्स रेशियो। एशिया में कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि वहाँ पे फीमेल का रेशियो कम है। कंट्रीज़ कौन सी है, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव ए लोअर सेक्स रेशियो। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर का मतलब है अलग अलग एज ग्रुप के, जैसे कि 0 to 14 ईयर्स या फिर 14 to 21 ईयर्स, इन अलग अलग जो एज के पर्सन्स हैं उन्हें अलग अलग जब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग एज के पर्सन्स को जब अलग अलग ग्रुप में उनके एज के बेस पर डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे एज स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब आपसे वन मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो आपका आ जाता है एज स्ट्रक्चर। सिंस लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ द 15 to 59 इंडिकेट्स ए लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस एज ग्रुप की है, 15 to 59 के बीच में, और 15 to 59 के बीच में जो वर्किंग पॉपुलेशन के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं हम इनको। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
एज सेक्स पिरामिड। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स, यानी कि पॉपुलेशन का जो एज से रिलेटेड पिरामिड है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि इसमें अलग अलग एज ग्रुप में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं इसको डिफाइन करता है। इट मीन जैसे कि मान लो कि 0 to 14 एज ग्रुप है, उसमें कितने तो मेल्स हैं 0 to 14 एज में और कितने फीमेल्स हैं, या फिर 18 to 21 या 18 to 30 में कितने एज ग्रुप फीमेल हैं और कितने मेल्स हैं। तो ये है एज स्ट्रक्चर। फिर हमारा आ जाता है ए पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेनिफिट, पॉपुलेशन पिरामिड का बेनिफिट है कि इसमें अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें जो रेशो है फीमेल और मेल का वो डिफाइन हो जाता है। एज सेक्स स्ट्रक्चर इट मीन्स अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें जो मेल और फीमेल का रेशो है वो डिफाइन हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट एजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस, यानी कि पॉपुलेशन एजिंग क्या है। एजिंग पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। दिस इज अ न्यू फिनोमेन ऑफ द 12th सेंचुरी। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट मीन सबसे पहले अब आपको इसको नोट्स में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको 12th सेंचुरी में एक नई टेंडेंसी आई थी। वो टेंडेंसी किसने डेवलप की थी, किसने अडॉप्ट की थी? डेवलप कंट्रीज़ ने। डेवलप कंट्रीज ने जो एजिंग पॉपुलेशन टेंडेंसी अडॉप्ट की थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ओल्ड एज ग्रुप के जो पीपल्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट हुआ। ओल्ड एज ग्रुप के पीपल्स का मतलब है सीनियर सिटीजन पीपल्स में इंक्रीजमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, यानी कि लाइफ बढ़ गई है। इस मीन्स हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। द एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एज के अकॉर्डिंग और उस एज ग्रुप में अलग अलग मेल और फीमेल के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी डिफरेंट रूरल एंड द अर्बन, यानी कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ से द क्राइटेरिया ऑफ द डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन, कि डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। वेरियस फॉर्म कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में हम फॉर्म कर सकते हैं। इन जनरल टर्म्स रूरल एरियाज में जो पर्सन होते हैं वो किस में इंगेज होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जबकि अर्बन एरियाज में जो पर्सन होते हैं वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, और नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द रूरल एंड द अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड जस्ट द अपोजिट टू द अफ्रीकन एंड द एशियन कंट्री लाइक जिम्बाब्वे एंड द नेपाल रिस्पेक्टिवली। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, मेल्स आउट नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि मेल्स ज़्यादा है। इन रूरल एरियाज में फीमेल ज़्यादा है, फीमेल आउट नंबर ऑफ मेल्स इन अर्बन एरियाज। इन कंट्रीज लाइक नेपाल एंड द पाकिस्तान एंड इंडिया आर इन केसेस रिवर्स, इसका उल्टा है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, देखो बेटा मेल्स आउट नंबर फीमेल्स, यानी कि मेल्स से ज़्यादा फीमेल है, और फीमेल आउट नंबर मेल्स यानी कि मेल्स ज़्यादा है। फिर हमारा द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ द यूएसए के जो अर्बन एरिया है यानी कि अमेरिका, अर्बन एरिया में फीमेल ज़्यादा है। कैनेडा एंड द यूरोप इज द रिजल्ट इज द इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल्स फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। इसी तरीके से कैनेडा और यूरोप की जो कई कंट्रीज हैं वहाँ पे फीमेल्स रूरल एरिया से ही बिलोंग करती हैं। फिर हमारा आ जाता है फार्मिंग इज दीज डेवलप कंट्रीज ऑल्सो हाईली मशीनाइज्ड, यहाँ पे इन डेवलप कंट्रीज में फार्मिंग भी क्या होती है, टेक्निकल वे में होती है एंड रिमेन्स लार्जली ए मेल ऑक्यूपेशन, और जो फीमेल जो मेल पर्सन है उन्हें ऑक्यूपेशन ज़्यादा मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन थर्ड का, जो कि हमारी बुक सेकेंड से रिलेटेड है ज्योग्राफी का, फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकेंड वीडियो में इसका ज्योग्राफी के फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे लेसन थर्ड का।